दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हर किसी को अपनी लाइफ में काम तो करना ही पड़ता है। घर से काम, काम से घर, यानी कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने में आपका मोस्टली टाइम जाता है ट्रेवलिंग में। और हर कोई चाहता है कि उसका घर या उसका ऑफिस बिल्कुल ही आसपास हो, ताकि उसको कम से कम जो ट्रेवलिंग टाइम है वो लग सके। और खासकर आजकल की सर्दियों के मौसम में हर कोई चाहता है कि उसका ऑफिस बिल्कुल उसके घर पे ही आ जाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जहाँ ऑफिस और घर दोनों ही आप एक साथ कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, पीछे आप देख सकते हो, ये 200 फीट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है। इस रोड को डायरेक्ट फेसिंग करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 250 गज में बना हुआ 5 BHK का आलीशान डुप्लेक्स विला, जहाँ आप इस विला को कमर्शियली और रेजिडेंस दोनों ही पर्पज से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंग ऑन 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे ये लोकेशन आपको मिलने वाली है। इजी एक्सेस आपको मिल जाती है। अगर आप एडवोकेट हैं, या आप अपना कोई बुटीक चलाते हैं, या आप डॉक्टर हैं, या किसी भी आप प्रोफेशन में हैं, आप इजीली जो आप आपका वर्क फ्रॉम होम है वो यहां से कर सकते हैं। आपके क्लाइंट इजीली एक्सेस उनको मिल जाएगी यहां पे आने के लिए। और इजी जो एड्रेस है वो यहां पे मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी लोकेशन की। और फ्रेंड्स, आप जानते हो ऐसी प्रॉपर्टी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसी लोकेशन में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये तो बात थी लोकेशन की, अब मैं बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी की। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 123 न्यू सनी इनक्लेव मोहाली में, जहाँ आपको मिलने वाला है ये आलीशान 250 गज का 5 BHK इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला। आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडर्न एलिवेशन के साथ, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। बात करूं मैं सोसाइटी की, आप देखेंगे ऑलमोस्ट फुल्ली जो डेवलप सोसाइटी है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। प्रॉपर जो रोड्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। घर के आगे कोई भी घर ना होने की वजह से पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यहाँ आपको ग्रीन जो बफर है वो मिल जाता है ठीक आपके घर के सामने। तो ना तो कोई यहाँ पे घर मिलेगा, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है आपके पार्किंग की। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके विला की, तो यहाँ आप देखेंगे बड़ा सा रैंप आपको मिल जाता है, जहां से आप अपनी कार पार्किंग तरफ लेके आ सकते हैं। और ये स्टेप्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि जनरल यूज के लिए आप ये छोटा गेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया कि आपकी पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे आता है आपका पार्किंग एरिया स्पेस। तो आप बड़ी से बड़ी कार इजिली यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और अगर आपके घर टू व्हीलर भी है, या अगर आप सिटिंग एरिया बनाना चाहते हैं, वो दोनों ही पर्पस यहाँ आपके सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। इस एरिया को आप ग्रीन एरिया की तरह मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताया 5 BHK का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी एंट्रेंस पे। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस, बहुत ही एलिगेंट जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। बहुत सारी जो लाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। रात में बहुत खूबसूरत ये विला आपको दिखने वाला है। उसके बाद आप बात करूं उसकी मेन एंट्रेंस की, यहाँ आप देखेंगे बड़ा सा जो मैश डोर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है खूबसूरत डोर हैंडल के साथ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस खूबसूरत विला के अंदर। बट फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन, ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं इस खूबसूरत विला के अंदर। बट उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये आता है आपका मेन एंट्री डोर। आप देखेंगे काफी एलिगेंट, काफी सोबर जो मेन एंट्री डोर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। पॉलिश डोर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आप यहां देखेंगे जो कॉर्नरिंग है वो यहां पे आपको मिल जाती है, यानी कि एक खूबसूरत एलिगेंट डोर आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस विला के अंदर। तो दोस्तों, यहां से हमने एंटर किया हमारे खूबसूरत 250 गज के इंडिपेंडेंट विला में। और जैसे आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर सा फॉयर एरिया आपको मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स आपको मिल जाती है एंट्रेंस में। काफी लाइट से भरपूर जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी एक वुडन का डिजाइन आपको मिल जाता है लाइट्स के साथ। तो यहाँ भी अगर आप कोई पेंटिंग हैंग करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत यहाँ पे लगने वाली है। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको मिलता है आपका बड़ा सा ड्राइंग एरिया। सेपरेट ड्राइंग एरिया आपको मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे इसको सेपरेट किया गया है पार्टीशन के साथ, और जो पार्टीशन है वो भी डिजाइनर पार्टीशन आपको मिल जाती है वुडन की। बात करूं फॉल सीलिंग की, डिजाइनर फॉल सीलिंग अगेन यहाँ पे आपको मिल जाती है प्रोफाइल लाइट्स के साथ, कंसील लाइट्स के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर सी जो डिजाइनर वॉल है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, डिजाइनर लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। और प्री फिटेड एसी की पाइपलाइन पूरे ही विला में आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरी ही वॉल पे जो सुंदर सा वॉल पेपर है, एक लाइट कलर का वॉल पेपर है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और ठीक सामने यहाँ पे बड़ी सी विंडो मिलेगी, यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट आपको मिलने वाली है आपके ड्राइंग एरिया में। तो दोस्तों, ड्राइंग एरिया से निकल के सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल 5 बेडरूम आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि 2 बेडरूम आपको मिलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका सुंदर सा फर्स्ट बेडरूम, काफी स्पेशियस बेडरूम आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर डिजाइनिंग आपको मिलती है बेड की बैक पे। ये पूरी ही वॉल डिजाइनर वॉल की तरह इसको तैयार किया गया है,
अगेन यहाँ देखेंगे यहाँ प्रॉपर एसी की पाइप लाइन आपको मिल जाएगी। टीवी पैनल की बात करूँ, टीवी पैनल यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑलरेडी जो बेड है डबल बेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी। और एक और खासियत फ्रेंड्स, ये जो आप डोर देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडिंग यूपीवीसी डोर्स आपको मिलने वाले हैं, ये साउंड प्रूफ भी रहते हैं। और दूसरा खास प्लस पॉइंट इसका ये है कि इस रूम को आप गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक सेपरेट एंट्रेंस यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिससे कि आपका जो गेस्ट है वो इजिली इसी डोर से एक्सेस कर सकता है अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए। उसके फ्रेंड्स बारी आती है इसके ड्रेसिंग एरिया की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया। और मैं अगर बात करूँ इसके स्टोरेज एरिया की, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइडिंग फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बारी आती है इसके अटैच वॉशरूम की, तो यहाँ पे आता है इसका बड़ा सा अटैच वॉशरूम। आप देखेंगे डार्क थीम कलर के साथ यहाँ पे आपको सुंदर सा वॉशरूम मिल जाता है। फिलहाल फिटिंग्स है वो पेंडिंग है, वो सारी कंप्लीट आपको करवा के दी जाएंगी। और एक इस डोर से आपको एक्सेस मिल जाती है हमारे मेन लॉबी की तरफ, यानी कि अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो इस वॉशरूम को एज ए कॉमन वॉशरूम की तरह भी वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है यहाँ पे हमारे फैमिली लाउंज एरिया की। आप देखेंगे काफी बड़ा फैमिली लाउंज एरिया आपको मिल जाता है। आप ठीक सामने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिजाइनर वॉल यानी कि मिरर की जो डिजाइनर वॉल है वो यहाँ पे दी गई है। डिस्प्ले कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले कैबिनेट्स आपको मिलने वाले हैं। और एक और खास बात फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल हाइट की जो सीलिंग है वो दे दी गई है, और बीचों बीच आप एक सुंदर सा जो शैंडिलर है वो हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आप खूबसूरत आपका ड्राइंग एरिया सॉरी डाइनिंग एरिया आपका लगेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको सुंदर सी जो डिजाइनर फॉल सीलिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगेन यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, हाफ एरिया को आप यूज कर सकते हैं अपने लाउंज एरिया की तरह, और हाफ को आप यूज कर सकते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरह। बाकी जैसे भी चाहे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक सामने यहाँ पे आपको मिलता है ओपन मॉड्यूलर किचन। आप देखेंगे यहाँ पे एक काउंटर आपको मिल जाता है, आप इसको ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एज ए बार की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर काउंटर यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे आती है आपकी बड़ी सी किचन। आप यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर सी जो लाइट्स हैं, सुंदर सी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरे ही किचन में। इवन आप देखेंगे यहाँ भी प्रॉपर डिजाइनिंग आपको दी गई है। स्टोरेज की मैं बात करूँ, बहुत सारी स्टोरेज आपको मिलने वाली है चारों ही तरफ। आप देखेंगे ऊपर भी नीचे भी बहुत सारी स्टोरेज आपको मिल जाती है। और सॉफ्ट क्लोजर जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ पे सारे ही आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आता है आपका वेट किचन। यहाँ पे आप देखेंगे डबल सिंक आपको मिल जाती है, प्रॉपर विंडो आपको मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए। और इस डोर से हमें एक्सेस मिलती है हमारे बैकयार्ड में जाने के लिए। और उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे पैंट्री का स्पेस आपको मिल जाता है, आपके माइक्रोवेव, आपके ओवन का, आपके ओटीजी का एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है। और इस एरिया को आप जैसे भी जहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, या अपने वेजिटेबल कटिंग्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से हमें एक्सेस मिलती है हमारे बैकयार्ड में आने के लिए। ये सेम एक्सेस हमें हमारे सेकंड बेडरूम से भी मिलेगी, बट किचन से भी आपको प्रॉपर एक्सेस मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है। इवन यहाँ भी वॉल्स पे प्रॉपर टाइलिंग वर्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे आयरन की रॉड्स यहाँ पे दी गई हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। और ये जो टैप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपनी फुल टाइम जो वॉशिंग मशीन है उसका सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके बैकयार्ड में। और दोस्तों जैसे हम किचन से बाहर निकलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है आपके फ्रिज का, तो बड़े से बड़ा फ्रिज इजिली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे ग्राउंड फ्लोर के लास्ट बेडरूम की, यानी कि हमारे विला के सेकंड बेडरूम की। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आता है हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ भी आप देखेंगे बेड की ठीक बैक में यहाँ पे डिजाइनर वॉल तैयार की गई है, बेड आपको साथ ही मिलने वाला है इस बेडरूम के। और अगर मैं बात करूँ टीवी पैनल की, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी खूबसूरत सा टीवी पैनल, डबल कलर टोन का टीवी पैनल यहाँ पे आपको दिया गया है। फॉल सीलिंग आप देखेंगे यहाँ भी कलर लाइट्स के साथ जो फॉल सीलिंग है, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। बड़ी सी विंडो यहाँ भी आपको मिलने वाली है। और मैंने आपको बताया था जैसे किचन से हमने देखा आपको एक्सेस मिलती है बैकयार्ड में जाने के लिए, तो इस बेडरूम से भी आपको एक्सेस मिल जाती है। तो पूरे ही विला में सारे ही रूम्स वेल वेंटिलेटेड अच्छी सनलाइट के साथ आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है इसके स्टोरेज एरिया की, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी जो रनिंग क्लोजेट है उसका कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। बड़ी बड़ी फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है, स्लाइडिंग वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो स्टोरेज है वो हर बेडरूम में आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम, यहाँ भी आप देखेंगे बड़ा स्पेशियस वॉशरूम आपको मिलने वाला है। यही नहीं,
इवन सारे ही विला में सारे ही वॉशरूम स्पेशियस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ भी फुल लाइटिंग टाइल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ भी आप देखेंगे डबल कलर टोन आपको मिल जाती है टाइल्स में, और जो फिटिंग्स है वो अगेन पेंडिंग है बट वो कंप्लीट करवा के आपको दी जाएगी इस विला के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कवर किया हमारा ग्राउंड फ्लोर जहाँ हमें मिल जाते हैं दो बेडरूम, उसके अलावा हमारा किचन, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो इसी स्टेयर से, इंटरनल स्टेयर से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। बट फ्रेंड्स अभी फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट आपको नहीं दिख रही है, बट डोंट वरी, आपको ये प्रॉपर जो स्पोर्ट है स्टील रेलिंग के साथ, टफन ग्लास के साथ, जो प्रॉपर जो सिक्योरिटी है हैंड रेलिंग, वो आपको दी जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी एक लॉबी एरिया आपको मिल जाता है, और जो मैं फ्रेंड्स नीचे से आपको दिखाया था जो डबल हाइट की सीलिंग है, यानी कि आपका ठीक जो लिविंग एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे उसके ऊपर जो डबल हाइट की सीलिंग है, आप देखेंगे यहाँ पे भी प्रॉपर जो डिजाइनिंग है वो आपको मिल जाती है। और जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा था यहाँ भी आपको प्रोविजन मिल जाता है आपके कॉमन वॉशरूम का, जो कि हमारे एक और बेडरूम से अटैच रहने वाला है। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉल सीलिंग की, आप देखेंगे यहाँ भी प्रॉपर डिजाइनिंग, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है लाइट्स के साथ। इवन एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी बीच में जो पीवीसी शीट है, डिजाइनर पीवीसी शीट है, वो आपको दी जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, वुडन का बॉर्डर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ हमें मिलते हैं तीन बेडरूम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, दो बेडरूम हमने देखे ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ तीन बेडरूम आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा सा स्पेशियस जो बेडरूम है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। बात करूं स्टोरेज एरिया की, आप यहाँ पे देखेंगे स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपको मिलने वाली है, फुल हाइट की वार्डरोब्स आपको मिल जाएंगी। अगेन फॉल सीलिंग यहाँ भी आपको मिल जाएगी। टीवी पैनल की बात करूं, टीवी पैनल यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट इस विंडो से आपको मिल जाएगी, और ड्रेसिंग एरिया भी आपको मिलने वाला है। और उसके बाद मैं बात करूं उसके अटैच वॉशरूम की, तो यहाँ पे रहेगा इसका अटैच वॉशरूम। और मैंने जैसा आपको बताया इसमें जो लास्ट फिनिशिंग का काम है वो पेंडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वॉशरूम में प्रॉपर फिटिंग्स आपको नहीं दिख रही, बट सारी ही फिटिंग, सारी ही बाथ फिटिंग्स कंप्लीट करवा के इस विला के साथ आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों थर्ड बेडरूम के बाद अब हम चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। बट उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मंदिर का स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप घर पे मंदिर बनाना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ बेडरूम। आप देखेंगे इस एरिया को अगर आप चाहें तो किड्स रूम की तरह यूज कर सकते हैं, या किड्स के लिए जो स्टडी रूम है उसको बना सकते हैं, या किड्स प्ले एरिया की तरह इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ भी प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट आपको मिल जाएगी। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ भी डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस विला के लास्ट बेडरूम की तरफ, यानी कि फिफ्थ बेडरूम की तरफ। जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है। इस स्पेस को आप जैसे भी चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको एज ए स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं, पूजा रूम उस रूम में ना यूज करने के बजाय आप इसको भी पूजा रूम की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आती है मेन एंट्री हमारे फिफ्थ बेडरूम की। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी काफी स्पेशियस बेडरूम आपको मिलने वाला है। तो आपने नोटिस किया होगा सारे ही बेडरूम्स का साइज काफी बड़ा साइज आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ भी प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट आपको मिल जाएगी। बात करूं टीवी पैनल की, टीवी पैनल यहाँ आपको दिया गया है, डिजाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, और एसीजी फिटिंग तो मैं आप देख ही चुके हैं सारे ही विला में आपको प्री फिटेड एसीजी पाइपलाइन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ड्रेसिंग एरिया का स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी काफी बड़ी स्टोरेज आपको मिल जाती है, स्लाइडिंग वार्डरोब्स यानी कि रनिंग वार्डरोब्स यहाँ पे आपको दी गई है, और फुल हाइट की वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिलती है। वेंटिलेशन के साथ साथ प्रॉपर जो स्पेस है स्टोरेज का वो भी हर बेडरूम के साथ आपको मिलने वाला है। और ये वही वॉशरूम है जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था, यानी कि कॉमन वॉशरूम भी यही रहने वाला है, और इस बेडरूम से अटैच वॉशरूम भी ये रहेगा। काफी बड़ा स्पेशियस वॉशरूम भी आपको मिल जाता है, फुल हाइट की टाइल्स आपको मिल जाएंगी। और आप देखेंगे यहाँ पे, और मैंने आपको बताया भी कि फुल जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी ही करवा के आपको दी जाएंगी विला के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे बेडरूम कवर किए हमारे विला के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और खास चीज की तरफ, जो कि है इसकी फ्रंट बालकनी। आप देखेंगे काफी बड़ी फ्रंट बालकनी यहाँ पे आपको मिलेगी, जहाँ आप 10 से 12 लोगों का इजीली सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं, टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी प्रॉपर जो डिजाइनर वॉल है वो यहाँ पे दी गई है, लाइट्स यहाँ पे दी गई है, अगेन रात को बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगने वाली है। और ठीक सामने यहाँ पे आपको मिलती है 200 फुट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। और सबसे बड़ी ब्यूटी भी इस विला की यही रहने वाली है, क्योंकि अगेन इस विला को आप कमर्शियली या रेजिडेंस दोनों ही पर्पज से यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके एक बजट में दो दो यहाँ पे काम होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। एक लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फ्लोर पे,
वो है पेंट्री का स्पेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोविजन आपको मिल जाता है, पाइपलाइंस यहाँ पे आपको मिल जाती है, यानी अगर आप इन फ्यूचर पेंट्री का सेटअप करना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इजिली यहाँ पे कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है, अदरवाइज जैसा भी चाहे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टेरेस एरिया की तरफ। तो ये जो आयरन की स्टेयर्स आप देख रहे हैं, यहीं से हमें एक्सेस मिलती है हमारे टेरेस में जाने के लिए, और वहीं पे आपको सर्वेंट रूम भी मिलता है। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको टेरेस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे टेरेस एरिया पे। आप देखेंगे यहाँ पे ओपन टेरेस आपको मिल जाता है, बट इन फ्यूचर अगर आप सेकेंड फ्लोर की फुल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये अलाउड है यहाँ पे, यानी कि एक और फ्लोर आप बनवा सकते हैं। बट फिलहाल जो है अभी यहाँ पे आपको एक सर्वेंट रूम मिलने वाला है। अगर आप फुल टाइम सर्वेंट रखते हैं तो अटैच वॉशरूम के साथ, अटैच किचन के साथ यहाँ पे एक सर्वेंट रूम आपको मिल जाता है। तो दोस्तों सर्वेंट रूम के ठीक सामने मैंने आपको दिखाया था कि ओपन टेरेस आपको मिल जाता है। तो एक और बालकनी आपको सेकंड फ्लोर पे मिलने वाली है। अगेन यहाँ भी आप देखेंगे सेम साइज की बालकनी आपको मिल जाती है जैसे हमें फर्स्ट फ्लोर में दिखी थी। यहाँ भी 10 से 12 लोगों का इजिली सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक सामने यहाँ से भी आपको प्रॉपर व्यू मिल जाता है 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड का। और मैंने आपको बताया था प्रॉपर फुल्ली डेवलप एरिया यहाँ पे आपको मिलता है। आप देख सकते हैं सारे ही घर प्रॉपरली जो कंस्ट्रक्टेड है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये था 250 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ खूबसूरत 5 बीएचके का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला। होपफुली ये वीडियो और ये विला दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। बट फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी खासियत है इस विला की वो बिल्कुल मत भूलना, शायद अगर आपने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया हो, बिल्कुल 200 फुट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के सामने ये लोकेशन आपको मिलने वाली है, यानी कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और अगर इस विला के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, या इस विला को आप आके विजिट करना चाहते हैं, या इस लोकेशन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो नीचे नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा, या स्क्रीन के नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।